तुम्हारी बात, गाड़ी बस की खड़ी हो रही तो पानी लोड होगा। हम वीडियो बना रहे हैं, चलिए चलिए वीडियो बना रहे हैं हम। भाई साहब दो चक्कर आप आ गए, पानी लेके नहीं आए हैं। भाई साहब डायल करते हैं तब आप उससे इजाजत लेके बेचिएगा। आप तीन चक्कर लगा चुके हैं, तीन बोरी बेच चुके हैं आप। भाई साहब हाँ मत दीजिए, ये गुंडागर्दी करेगा, मारपीट। देख लिए लड़ाई कर रहे हैं ये कैंटीन वाले जो बेचने आए हैं ये। हाँ आपकी भी बात हम सुनते हैं, ठीक है। प्यास लग रहा है, मैं मरने वाला है। ये लोग अपना बंदा बुला रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये जो है ये उनको कॉल किए, अभी इशारा किए कि उसे बुलाओ, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी हम डालेंगे CRPF वाले, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जी बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए ना भैया, बोलिए। जी भैया, ठीक। हाथ उठाओ भैया, यहाँ पे हाथ। जी भैया, जी जी खड़ी हो रही गाड़ी। प्यास लगा हुआ भैया, हम आपसे बोले नहीं, रिक्वेस्ट किए ना भैया। हम दौड़े भैया, हम दौड़े दौड़े उधर से गए इंजन के पास, पानी खत्म हो गया। प्यास लगा हुआ बहुत जोर का, हम दौड़े दौड़े भैया इंजन नंबर 1 पे गए भैया। इसमें कैंटीन नहीं है। जी हाँ वो मानते हैं, मैं माल अपने घर से चढ़ाया हूँ, घर से चढ़ाते हैं माल में। पहले पानी मुझे ज्यादा होगा, पानी मिला नहीं। आज देखिए एक चाय वाले आए थे भैया, भैया 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 भैया, आपसे रिक्वेस्ट है बड़े भाई। एक चाय वाले थे, हम बोले भैया सुनिए, तो हम उनको चाय के लिए नहीं कहते, पानी के लिए कहते। वो कह रहा रुको हम ले करके आ रहे हैं चाय। तुरंत चाय आ गया, एक कैन खत्म हो गया, पानी ला देते। एक बार एक चक्कर पानी चला दीजिए, उसके बाद ठंडा। बहुत मेहरबानी होगी आप लोगों से, रिक्वेस्ट कर रहे हैं भैया आपसे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। पानी अभी हम माजा लेके पिए, माजा लेके हम पिए उधर से ला के, फिर भी प्यास फिर लग गई। क्या क्या करें भैया, अभी बताइए। अभी फिर प्यास लग गई, जाने दीजिए पहले बताओ, जाने दीजिए आप, इनको जाने दे दीजिए आप। अरे तब जब गाड़ी बस की खड़ी होगी तब तो पानी आएगा। एक चलती ट्रेन में फेंका हूँ कोई तरीका, बहुत सारा सारा माल। अरे पानी भी फेंको ना, पानी भी फेंक दो भैया, पानी भी फेंक दो। चार रन सही में, एक रन बोलिए, एक रन पानी चलाए तो नहीं होगा। सुबह सुबह लखनऊ में कैंटीन खुली नहीं थी, कुछ नहीं था पानी। एक राउंड तो चलवाइए, एक राउंड पानी चलवाइए, उसका पूरा दिन बेचते रहे। प्यास बहुत, ये प्यास बुझा देगा आप ही बोलिए, ये प्यास बुझा देगा। खाने का आप ही कहिए, आपको यही पिलाऊंगा। आप माजा कभी प्यास बुझाता है? ये तो आपको, आपका उम्र हुआ, आप लोग का अंदाज है। देखिए फिर अभी तुरंत पिए आधा घंटा, फिर प्यास लग गई। एक राउंड ये लोग ध्यान से नहीं चला रहे, शुगर हो जाएगा गर्मी में। सही कह रहे हैं, ये हाफ माइंड ये लग रहा होगा, लेकिन सही कह रहे हैं। अरे ज्यादा क्या बोल रहे हैं, एक बार चला दो, एक राउंड चला दो ना भाई। पानी जब भाई नहीं, गाड़ी ठंडा कहाँ से आ गया? ठंडे चलती ट्रेन में फेंका था, पानी नहीं फेंक सकते? अरे पानी आ सकता है, पानी नहीं फेंक सकते? तीन राउंड यहाँ पर ठंडा चल चुका है, पानी नहीं फेंक सकते? एक राउंड एक बोरा थोड़ी रहा, लेकिन चालीस का ये 50 में बेच रहे हैं, MRP 40 है, लोकल ब्रांड है। एस्टेन है बुला लीजिए, जिनको बुलाइएगा एस्टेन है बुलाइए जो आएंगे, एस्टेन है बुला लीजिए। हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, सिर्फ पानी मंगवा दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। हाथ जोड़ के कहते हैं एक राउंड पानी मंगवाइए, शाम तक माजा बेचिए। बहुत मेहरबानी होगी, सही में भैया एक ही बार हम तीन बोतल ले लेंगे। वो भी तो कुछ गलत नहीं बोल रहे, आप पानी लेके आओ, फिर ले जाओ अपना। ये बहुत बात है,
तो फाइनली अभी हम जो है ये वाली ट्रेन से उतर चुके हैं, और रह गई बात कि ट्रेन में जो वो जो वीडियो जो आप इससे पहले वाला जो आप वीडियो देखे बोगी के अंदर, तो रीज़न क्या था कि वो लोग पानी नहीं ला रहे थे। पहली बात तो कैंटीन नहीं था ट्रेन में, और दूसरी बात ये कि वो लोग पानी नहीं ला रहे थे, सिर्फ और सिर्फ जो है फ्रूटी बेच रहे थे। 40 का था, 50 के रेट में वो बेच रहे थे, MRP से एक्स्ट्रा मजबूरी में लेना पड़ रहा था, प्लस प्याज भी नहीं बूझ रही थी फ्रूटी से। तो रीज़न ये था, इसके वजह से हम लोग जब बोले, सारे के सारे लोग जब बोले, तो लास्ट में वो लोग जो है कहीं ना कहीं से फिर अवेलेबल करवाया उसके बाद। लेकिन ऐसा कुछ ऐसा जो मैटर कुछ हुआ नहीं जिससे कि बात बढ़े, CRPF वाले लोग को आना पड़े, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो और एक बात और हम आप लोगों को बतला दें कि अभी हम इस ट्रेन से उतरे हैं, और फिर ये ट्रेन जो है दिल्ली के लिए रवाना हो रही है दरभंगा जंक्शन से जो है ये रवाना हो रही है दिल्ली के लिए। ये ट्रेन आप लोग देख सकते हैं, दरभंगा जंक्शन का आप लोगों को दिखला दें, देख सकते हैं। रात का टाइम है, लगभग जो 12 बज चुका है, 12 बज रही है रात, तो आप लोग देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 का ये सीन है। तो जबकि ये खुलने में भी उधर से खुली थी 4:00 का टाइम था, 4:30 का, और लगभग 9:30 के बीच में जो है ये ट्रेन खुली, और अभी यहाँ से भी लगभग जो है 4 या 5 का शायद टाइमिंग है, और अभी ये 12 खुलेगी। तो आप लोग सोच सकते हैं कि ये दिल्ली कितनी बजे ये ट्रेन पहुँचेगी, जो कि ये स्पेशल है, समर स्पेशल है ये, समर सीज़न पे जो ये स्पेशल ट्रेन चल रही है, जो कि ये आपको जो है गोरखपुर, इधर से आपको गोरखपुर सीतामढ़ी होते हुए गोरखपुर के तरफ वहाँ पे जा करके मिलेगी। तो अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं, और प्लीज़ अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो मेरे इस वीडियो को शेयर करिएगा। थोड़ा सा आप लोगों को सारा का सारा सीन दिखला दे स्टेशन का, देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, जो कि ये जो है एग्जिट गेट देख सकते हैं। तो फाइनली अभी जो हम जो दरभंगा जंक्शन है स्टेशन, उसके हम बाहर है, आप लोग बाहर का सीन देख सकते हैं, आप लोग बाहर का सीन देख सकते हैं। ये जो सीन है ये आपको फ्रंट गेट, जो कि ये वाला जो सीन है आपको फ्रंट गेट आप लोग देख सकते हैं, जो कि ऊपर दरभंगा लिखा हुआ, जस्ट उसी के सामने आप लोगों को, वहाँ पे जो पुराना शो के लिए जो कोयल इंजन, तो कोयले वाला जो इंजन होता था, कोयले वाला इंजन, वो वाला इंजन आपको वहाँ पर मिलेगा, और उसी के जस्ट सामने आपको यहाँ पर इंडियन फ्लैग, जो कि अभी ज़्यादातर जंक्शन के पास जो है इंडियन फ्लैग जो बड़ा सा जो आप लोग देख सकते हैं वो आपको मिलेगा, जो कि ये जो है फ्रंट वाला गेट है। तो चलिए अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं, और प्लीज़ अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो मेरे इस वीडियो को शेयर करिएगा।